चलिए, तो ये स्प्रिंग फोर्स का एक क्वेश्चन है, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि स्प्रिंग फोर्स हमें निकालना है। एक स्प्रिंग है, सपोज एक केस वन है, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। कह रहा है क्या कि अगर स्प्रिंग में एक सिंपल सा नॉर्मल स्प्रिंग है, इसका लेंथ को हम एक्स मान लिए, ठीक है। इसके लेंथ को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, या फिर इसको मान सकते हैं एक्स नोट। एक्स नोट का मतलब इनिशियल लेंथ, यानी कि इसका नॉर्मल पोजीशन में जो लेंथ है उसको हम लोग एक्स नोट मान लिए। एक्स भी मान सकते हैं, एक्स नोट भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर 20 न्यूटन लोड लगाया गया इस बॉडी पर, यानी कि इस स्प्रिंग पर, तो इसमें सम डिफ्लेक्शन होगा, है ना। इसमें सम क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। सपोज इसमें डिफ्लेक्शन हो गया एक्स, इसको एक्स नोट मान लिए, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो गया एक्स, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि एक्स नोट प्लस एक्स वन, इसको एक्स वन मान लेते हैं ताकि आगे वाले को एक्स टू मान लेंगे, ठीक है। एक्स नोट प्लस एक्स वन बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, जब फोर्स कितना लग रहा था 20 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया केस वन। केस टू में कह रहा है कि 40 न्यूटन लोड इज अप्लाइड। अब फोर्स क्या हो गया इसमें, 40 न्यूटन हो गया, तो उसका टोटल लेंथ एक्स प्लस एक्स नोट प्लस एक्स टू, टोटल लेंथ कितना है स्प्रिंग का, 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसी से हमको सबसे पहले निकालना है कि इसका ओरिजिनल लेंथ यानी कि एक्स नोट कितना है और स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के इनटू एक्स, एक्स इज द डेल, एक्स इज द चेंज इन लेंथ, और इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स। क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज द चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले मानिए लेट द ओरिजिनल लेंथ बी, ओरिजिनल लेंथ क्या माने हम लोग अभी, एक्स नोट सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स नोट सेंटीमीटर मान लिए। फाइनली आंसर मीटर में करेंगे, अभी इसको सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर उसको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। चलिए अब केस वन में हम सॉल्व करते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स होता है एफ इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, के इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन लेंथ। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या माने, एक्स वन है, टोटल लेंथ क्या है एक्स नोट प्लस एक्स वन, तो यहाँ पर एक्स नोट प्लस एक्स वन है, तो यहाँ पर से डेल्टा एक्स एक्स वन इक्वल टू लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स नोट, यस या नो, यस सर, ठीक है सर। डेल्टा एक्स यानी कि एक्स वन क्या होगा, 20 माइनस एक्स वन, फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन, के मान लिए हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और डेल्टा एक्स को लिखेंगे वैल्यू 20 माइनस एक्स नोट। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी में केस टू में देखेंगे, केस टू में फिर से लेंगे फोर्स इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इसमें लग रहा है 40 न्यूटन, के कितना है मान लिए, के है को के मान लिए, डेल्टा एक्स इसमें एक्स, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन लेंथ, एक्स टू है, ठीक है, और यह है एक्स वन, तो एक्स टू हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस एक्स नोट, ठीक है। इसको समझिएगा ध्यान से, काफी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है ये, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को डिवाइड कर देंगे, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आसानी से हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, 20 बाई 40 इज इक्वल टू के माइनस के इंटू 20 माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई के इंटू 30 माइनस एक्स नोट, यहां से के और के कट जाएगा और ये टू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू, ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस 2 एक्स नोट, 2 एक्स नोट इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 एक्स नोट माइनस एक्स नोट बचेगा एक्स नोट, और ये 40 माइनस 30 यानी एक्स नोट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, या फिर लिख सकते हैं 0.1
मीटर, ठीक है। आपका आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में देना है, और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में देना है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है बी में, सेकंड में स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फिर से लिखेंगे एफ इंटू एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट में पुट करते हैं वैल्यू, तो एफ कितना है 20, के डेल्टा 20 माइनस एक्स नोट, एक्स नोट का वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर, तो 20 माइनस 10 ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 20 बाई 10 टू न्यूटन पर सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि एक्स नोट हम सेंटीमीटर में निकाले हैं, एक्स नोट किसमें निकाले हैं सेंटीमीटर में। अब देखिए यहां पर आप लोग थोड़ा सा गलती क्या किए हैं, आंसर हम निकाले हैं के का कितना, आप चीज निकाले हैं टू न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब के का वैल्यू निकालेंगे मीटर में, तो ये 2 न्यूटन हो गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 2 न्यूटन सेंटीमीटर है, 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो खुद ही नीचे है और उसमें भी क्या करना है हमको 100 से डिवाइड करना है, तो ये मीटर में होगा, है ना, आ रहा समझ में ये बात, यस सर। तो आंसर अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, मीटर में न्यूटन मीटर में 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखो इस तरह से आप समझ सकते हो के का वैल्यू जो बता रहा है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ चेंज करने के लिए स्प्रिंग का लेंथ 1 सेंटीमीटर चेंज करना है तो कितना फोर्स लगाना है हमको 2 न्यूटन। अगर इसी को मीटर में चेंज कर दिए तो अब कह रहा है कि 1 मीटर लेंथ चेंज करना है स्प्रिंग का, 1 मीटर लेंथ चेंज करना है स्प्रिंग का, तो अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको 200 न्यूटन, ठीक है। तो 0.02 न्यूटन मीटर पर मीटर नहीं होगा, कितना होगा 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इज इट क्लियर सबको, सबको समझ में आया ये बात, मिस्टेक्स आप लोग का, लोड इज 45 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए, जब 40 न्यूटन लोड है तो स्प्रिंग लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, तो जब 45 न्यूटन लोड होगा तो स्प्रिंग लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, पहले ये बताओ, बढ़ेगा, यानी स्प्रिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए ना, यस सर। चलो ठीक है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो लोड है 45 न्यूटन, के का वैल्यू है न्यूटन सेंटीमीटर में 2 इंटू डेल्टा एक्स, तो यहां पर डेल्टा एक्स निकल जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, यानी कि 45 न्यूटन लोड देंगे तो डेल्टा एक्स यानी कि x3, डेल्टा एक्स का मतलब x3 चेंज इन लेंथ कितना हुआ है 22.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है टोटल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, तो जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 22.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 32.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए और भी मेथड है, और भी तरीके से बना सकते हैं, शॉर्टकट में बना सकते हैं, ये आपका बेसिक तरीका है ताकि आप आंसर को गलत मत करिए। आंसर किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन आंसर को बनाना जरूरी नहीं, आंसर को सही करना जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।